जम्मू कश्मीर में सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए शराब के ठेकों की ऑक्शन कर रही है। 200 से ज्यादा शराब के ठेकों की ऑक्शन जम्मू में की जा रही है और कश्मीर में मात्र 4 शराब के ठेके दिए जा रहे हैं। सरकार कहती है हमको रेवेन्यू इकट्ठा करना है। रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जम्मू के लोगों को चुना गया है और इस वक्त जो रेवेन्यू रियलाइजेशन हो रही है टैक्सेस के माध्यम से, उसका 76% हिस्सा जो है वो जम्मू से इकट्ठा हुआ। ये आंकड़े असेंबली से हमने इकट्ठे किए कि टोटल टैक्स कलेक्शन में जम्मू का शेयर 76% है, मात्र 24% जो है उस तरफ से आता है। अगर आपको शराब बेचकर रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो दोनों रीजन्स में आप क्यों नहीं करते हैं? शराब पिलाकर जम्मू के लोगों को आप ये समझते हैं कि आप यहाँ जो है वो पैसा इकट्ठा करेंगे, तो ये एक अपने आप में जाति की सबसे बड़ी मिसाल होगी। जो टैक्सेस पहले ही जम्मू से इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिनका मैंने कहा 76% शेयर है, उसमें GST, उसमें एक्साइज ड्यूटी, उसमें पैसेंजर टैक्स, उसमें टोल टैक्स, उसमें एक्साइज ड्यूटी, उसमें वैट, उसमें मोटर स्पिरिट टैक्स और दूसरे टैक्स शामिल है। और टैक्स यहां से इकट्ठे करने के बाद सौगात जो है वो कश्मीर को दी जाती है, बार बार दी जाती है। कितने ही ऐलानात 370 के हटने के बाद भी कश्मीर के लिए किए गए हैं। मुलाजमत देनी हो तो कश्मीर में, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट का ऐलान 370 हटने के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने कश्मीर में जाकर किया, जहां मेट्रो चलाने की बात की गई। 15,881 करोड़ रुपए का मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है वो कश्मीर को दिया गया है, जिसके ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है। मुलाजमत जो है वो कश्मीर को दी जा रही है, चाहे वो फायर सर्विसेज की बात कर लें, चाहे वो वर्क सुपरवाइजर की 76 की 76 पोस्टें जो हैं वो कश्मीर के लिए एडवर्टाइज की गई, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्टें जब भरी गई तो सारी की सारी पोस्टें कश्मीर में भरी गई। जम्मू से सिर्फ रेवेन्यू चाहिए। जिस तरीके से यहाँ के लोगों का लहू निचोड़ा जा रहा है पैंथर्स पार्टी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी कड़ी मुजम्मत करती है। ये भेदभाव जो जम्मू के साथ हुआ है ये बेहिसाब बड़ा है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, और इसके लिए आपको जवाब देना होगा। और यहाँ ठेके और वहाँ डेवलपमेंट के काम और मुलाजमत, ये नहीं चलेगा। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ और जम्मू के लोगों को भी इस संदर्भ में उठ खड़ा होना होगा कि हमें जो है जिस तरीके से उधेड़ा जा रहा है, खाल उधेड़ी जा रही है जम्मू के लोगों की टैक्सेस के नाम पर, और यहाँ अपने हक से महरूम रखा जा रहा है पैंथर्स पार्टी, उसकी सख्त शब्दों में मुजम्मत करती है।